हरियाणा के सिकंदराबाद में मुथिया लम्मा मंदिर में तोड़फोड़ के विरोध में उतरे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। हिंदूवादी संगठन मंदिर में हाल ही में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ लगातार कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया था। इसी दौरान हिंदू संगठन से जुड़े लोग मंदिर के सामने धरना दे रहे थे। भीड़ और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बीजेपी नेता पुलिस एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब है, आप इसे बिगाड़िए मत, आप शांति भंग मत करिए, वरना आप पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर हिंदू संगठन ये मांग कर रहा है कि इसमें और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठाया जा रहा है कि मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के बाद सरकार किस तरह से काम कर रही है, आखिर सरकार ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया। को सुबह करीब 4:30 बजे सलमान कुमार गुडा स्थित मंदिर के गर्भगृह में घुस गया था और उसने गर्भगृह में घुसकर देवमूर्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया था। मंदिर में तोड़फोड़ के संदिग्ध की पहचान महाराष्ट्र के सलमान सलीम के रूप में हुई है। वो एक महीने पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप में शामिल होने सिकंदराबाद आया था। ऐसे में अब प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि आरोपी सलमान जिस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप में शामिल होने आया था उसके आयोजक पर भी एक्शन लिया जाए। सिकंदराबाद में इस कार्यशाला का आयोजन इंग्लिश हाउस अकादमी के मुनव्वर जमा मोहम्मद कफीर अहमद के द्वारा किया गया था। हिंदूवादी संगठन अब इनकी गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मंदिरों पर बढ़ रहे हमले को लेकर तेलंगाना बंद का भी ऐलान किया था। इसी विवाद को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान आई भीड़ मंदिर के सामने धरने पर बैठी थी। इनमें से कुछ लोग भगवान शिव की आराधना करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी बीच लिंगाष्टकम के साथ विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस और हिंदूवादी संगठनों में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बाद में केंद्रीय मंत्री बंडी संजय इन घायलों से मिलने उनके घरों में पहुंचे और उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी ने पुलिस के लाठीचार्ज की निंदा की है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने मंदिर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर किए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। मुत्यालम्मा मंदिर को तोड़कर कितने दिन हो गए? आज तक मुनव्वर जामा जो सेकंड जाकिर नायक है उसको क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? इसी संदर्भ में वहां के शिव क्षेत्र के सिकंदराबाद क्षेत्र के हिंदूवादी संगठनों द्वारा हिंदूवादी कार्यकर्ताओं द्वारा आज बंद काल का आयोजन किया गया। बहुत ही अच्छा रिस्पांस पब्लिक में, पब्लिक खुद अपने शॉप्स बंद करके कि हमें भी मुत्यालम्मा मंदिर को न्याय मिले ऐसा समर्थन में बहुत सारे लोगों ने बंद काल का समर्थन किया। बहुत सारे जो भक्त थे माता मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। दुर्भाग्य देखिए, तेलंगाना पुलिस का जुल्म देखिए, निहत्ते भक्तों के ऊपर, निहत्ते हिंदुओं के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। कईयों हिंदू उस लाठी चार्ज में घायल हुए, किसी का सर फट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है। ये है तेलंगाना की पुलिस, ये है पुलिस का बर्ताव। किसने अधिकार दिया पुलिस को लाठी चार्ज करने का? अगर कोई व्यक्ति साधारण सा अगर पुलिस को सिर्फ उंगली लगाता है तो दफाएं पर दफाएं अनेकों सेक्शन लगाकर उस व्यक्ति को जेल भेजा जाता है। अब ये पुलिस पे कौन कार्रवाई करेगा जो निहत्ते हिंदुओं पर लाठी चार्ज कर रही है? नपुंसक पुलिस कहूंगा मैं, जो निहत्ते लोगों पर इस प्रकार से लाठी चार्ज कर रही है। मैं हमारे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय जी एवं अमित शाह जी से निवेदन करना चाहता हूं, जिन जिन पुलिस के अधिकारियों ने हिंदुओं पर लाठी चार्ज करवाया उनके ऊपर भी FIR हो, इनके ऊपर भी कार्रवाई हो और तुरंत ये सभी के सभी पुलिस के अधिकारी सस्पेंड हो। यहां मैं निवेदन हमारे अमित शाह जी एवं हमारे केंद्रीय मंत्री बंडी संजय जी से निवेदन करता हूँ। इस मामले पर VHP के महासचिव सुरेंद्र जैन का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिरों पर हमले दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने कभी सुना है कि कभी किसी मस्जिद या चर्च पर पत्थर फेंके गए हों? फिर क्यों हमारे धार्मिक जुलूस और मंदिर निशाने पर हैं? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे मंदिरों की रक्षा करें। उसके बाद इस पूरे मामले पर तेलंगाना के DGP जितेंद्र ने कहा कि हम आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे को बड़ा बनाकर पेश ना करें, क्योंकि इस मामले में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर चुकी है। अब हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि शहर का माहौल बिगड़े। हम लोग गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाने जाते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि शहर और राज्य में तनाव बढ़े। My request to community is that don't make it any big issue.
Because if you see, it is an isolated issue. It has nothing to do with other issues anywhere else. And here, police has acted in a very swift manner. Immediately, police acted. They arrested the person. They identified the person and arrested. Now, anything we do, this will unnecessarily spoil the atmosphere in the city. Largely, city is very peaceful. We are known for Ganga Jamuna Tehzeeb. So we should not do anything which affects the atmosphere of the city or state. So ऐसे में उन पर लाठियों से हुआ ये प्रहार प्रदर्शन क्षेत्र में लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ माना जा रहा है। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन पर आरोप है कि ये कैसा न्याय है कि सही बात कहने वालों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है जबकि अन्य आरोपियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या लोकतंत्र में अपनी बात प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रखना कोई गुनाह है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।